हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज पॉल फ्रॉम LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। ओके, यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर ए एंड that is tick the correct answer. So in this there are 4 questions. Question number 1 is, which of the following is a paint program? Okay students, question number 1 is, which of the following is a paint program? In this question you will get 3 option. Option number A is Tux Paint, option number B is MS Word, and option number C is calculator. Okay, question को आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। question क्या कह रहा है? question कह रहा है कि इन तीनों में से, जो नीचे आपको तीन option दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन सा जो है paint program है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया हुआ है Tux Paint, MS Word, calculator। तो आप देखिए, कैलकुलेटर जो होता है वो कैलकुलेशन के काम में आता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका आंसर। एमएस वर्ड आपका जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिस पे आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, ये दोनों आंसर रॉन्ग है। टक्स पेंट बच रहा है, और टक्स पेंट इज़ द राइट आंसर। यू नो वेरी वेल, टक्स पेंट इज़ अ पेंट प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन has gone clear to all. Now come to the question number 2. Question number 2 is, this magic effect creates a pattern of small colored stone or glasses. Okay, in this question you will get 3 options. Okay, option number A is कैलिडियोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी इज लाइटेन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज मोशाइक। ओके, लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली। ऑप्शन नंबर ए इज कैलिडियोस्कोप, एंड ऑप्शन नंबर बी इज लाइटेन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज मोशाइक। सो डियर स्टूडेंट्स, मोशाइक इज द राइट आंसर। ओके, यू हैव टू टिक ऑन द ऑप्शन नंबर सी, मोसाइक। दिस मैजिक इफेक्ट क्रिएट अ पैटर्न ऑफ स्मॉल कलर्ड स्टोन आर ग्लासेस। सो दिस इज द मोसाइक इफेक्ट। ओके, एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, मोसाइक इफेक्ट गिव एन इफेक्ट दैट न्यूमरस स्मॉल कलर्ड पीस ऑफ स्टोन our glasses have been used to create a drawing. Okay, now come to the question number 3. Question number 3 is, it has 4 symmetric brushes. Okay, so in this question you will get 3 option. Option number A is mosaic, ऑप्शन नंबर बी इज कैलिडियोस्कोप, एंड ऑप्शन नंबर सी इज लाइटेन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैलिडियोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, कैलिडियोस्कोप इफेक्ट क्रिएट्स आर्टिस्टिक फ्री हैंड पैटर्न, इट हैज 4 सिमेट्रिक ब्रशेस। ओके, now come to the question number 4. Question number 4 is, it is mock up that display the flow of a story. Okay, in this question you will also get 3 option. Option number A is storyboard, option number B is stamp, and option number C is slideshow. So dear students, option number A is the right answer, storyboard.
स्टोरी बोर्ड इज अ मॉक अप दैट डिस्प्ले द फ्लो ऑफ अ स्टोरी. इट डिस्प्लेज द स्टोरी बोर्ड वन बाई वन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर बी. ओके, एक्सरसाइज नंबर बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन दिस देयर आर फोर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग द अप और डाउन एरो इन द डैश. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू फिल सिलेक्टर बॉक्स. ओके, सिलेक्टर बॉक्स इज द राइट आंसर. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेक्स्ट बॉक्स by clicking the up or down arrow in the selector box. Next, that is question number second. Question number second is the tax paint is a dash software. So dear students, as you all know, tax paint is a free software. Here you have to fill free, FREE. Okay, now come to the question number third. Question number third is dash tool fades the color of a part of the drawing. So dear students, here you have to fill lighten tool. Okay, lighten tool fades the color of a part of a drawing. Now come to the question number 4. Question number 4 is dash button deletes the drawing from tux paint. Okay, dear students, here you have to fill erase. Okay, erase is the right answer. Okay, now dear students, come to the exercise number C, that is answer in one word. Okay, exercise number C is answer in one word. So dear students, in this there are four questions. Question number first is name the option that start the slide show. Okay, so answer of this question is play button. Dear students, you have to fill a play button. Okay, now question number second is the drawing mascot in tux paint. The answer of this question is penguin. Here you have to fill penguin. Okay, now come to the question number 4. Question number 4 is this tool change the direction of an image. So dear students, answer of this question is mirror image option. Mirror image option tool change the direction of an image. Now come to the question number 4. Question number 4 is the tool used to add text in a drawing. Question number 4 is the tool used to add text in a drawing. So dear student, the answer of this question is text tool. Okay?
दिस इज योर राइट आंसर. हियर यू हैव टू फिल टेक्स टोल. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द ऑप्शन दैट स्टार्ट द स्लाइड शो. सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द आंसर प्ले बटन. देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द ड्रॉइंग मैस्कॉट इन टक्स पेंट. द आंसर इज पेंगुइन. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस टूल चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन इमेज. इन दिस क्वेश्चन यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मिरर इमेज ऑप्शन. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर द The tool used to add text in a drawing. Answer is text tool. Okay students, the exercise number A, B and C has gone completed. And exercise number D, that is answer the following question. I will explain in my next video. Till then, goodbye, have a nice day and thank you for watching my videos.